नमस्कार दोस्तों, यूनिक्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने कई गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर की, जिसका पुराना नाम नवां शहर है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह शहर काफी महत्वपूर्ण है। इस जिले में स्थित गुरुद्वारे और मंदिर खूबसूरत होने के साथ साथ ऐतिहासिक झलक दिखलाते हैं। इस जगह को पहले नौसार के नाम से जाना जाता था। ये जिला पंजाब के होशियारपुर और जालंधर जिलों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि नवां शहर का निर्माण अफगान मिलिट्री के चीफ नौसार खान ने करवाया था। ये जिला सतलुज नदी किनारे स्थित है। नवां शहर अपने मनोहर वातावरण और पूरे साल एक सुखद जलवायु के कारण वर्षों से एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है, तो जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर एक, सरदार भगत सिंह हाउस एंड म्यूजियम। शहीद भगत सिंह जी का घर खटकर कला ग्राम में स्थित है। आज यह एक पंजाब का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहीं पर भगत सिंह जी का जन्म हुआ और उनका बचपन बिता। आज भी इस गाँव में भगत सिंह जी के परिवार के सदस्य रहते हैं। यहीं पर पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी ने शपथ ग्रहण की थी। इस गाँव में भगत सिंह म्यूजियम भी है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी से जुड़ी हुई सामग्री रखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। नंबर दो, राजा साहिब जी गुरुद्वारा। श्री राजा साहिब नाथ कवल गुरुद्वारा नौ आवाद मजारा साहिब में है। इससे जुड़े धार्मिक स्थल ग्राम झिंगराना और रियापा में। इन गांवों में गुरुद्वारे की खूबसूरत इमारतें हैं। नंबर तीन, गुरुद्वारा ताइलना साहिब। ये गुरुद्वारा नवां शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र की याद में बनवाया गया था। कहा जाता है कि बाबा श्री चंद्र ने यहाँ 40 दिन तक ध्यान साधना की थी। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाबा चंद्र का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नंबर चार, गुरुद्वारा चरण कमल का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। यह गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनवाया था। अपनी आखिरी लड़ाई के बाद, जिसमें गुरुजी ने पंडे खान को मारा था, वे इसी जगह पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जमींदार जीवा को आशीर्वाद के रूप में दूध दिया था। इसके बाद से इस गांव को जिंदोवाल के नाम से जाना जाता है। नंबर पाँच, गुरुद्वारा भाई सिंह हियाला। नवां शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित हियाला गाँव में एक खूबसूरत गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे को बाबा भाई सिंह के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष दशहरे के बाद यहाँ बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बाबा भाई सिंह झिंगराना गांव के मूल निवासी थे। वे काफी समय तक यहां पर रहे। उनका उद्देश्य लोगों में सांप्रदायिक सौंदर्य की भावना पैदा करना था। जिस स्थान पर यह गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां पर पहले बाबा भाई सिंह का घर था। नंबर छह, रोजा शरीफ मंडली। मंडली में एक मुस्लिम संत गोपाल के 8 पुत्रों में से एक अब्दुल्ला शाह कादरी का रोजा है। इस रोजा को बाबा अब्दुल्ला शाह कादरी ने अपने जीवित रहते बनवाया था। आजकल इसकी देखभाल भाई भजन शाह कादरी करते हैं। हर साल जून जुलाई के महीने में मेला लगता है। देश के प्रसिद्ध कव्वाल और गजल गायक यहाँ पर इस मेले में आते हैं। नंबर सात, कृपाल सागर। राहुन के पास दरियापुर गांव में मानवीय एकता की निशानी के रूप में कृपाल सागर बनाया गया। इस स्थान पर एक अंडे के आकार के कुंड के चारों ओर 4 धर्मों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पूजा स्थल बने हैं। एक पिरामिड के बीच में 4 धर्मों का एक सामान्य प्रतीक निर्माणधीन है। इसी के पास में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना हुआ है। नंबर आठ, बरादरी पार्क। बरादरी पार्क नवां शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह सिटी का मुख्य पार्क है। यहाँ पर आपको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करने वालों की भीड़ मिल जाएगी। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं। नंबर नौ, जत्तेदार फार्म एंड रिसोर्ट। ये फार्म हाउस राहौल में स्थित है। यह फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट स्थान है। तो दोस्तों, आपको शहीद भगत सिंह नगर में कौन कौन से स्थान पसंद है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।